अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मैं अब्दुल वाहिद। सो भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो बेटी का? आपको बताता चलूँ कि यार तकरीबन 9 दिन हो चुके हैं, मैंने कोई अपडेट नहीं दी, आपको बताया नहीं, कोई इंस्टा पे स्टोरी नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, मेरी तबीयत कैसी है। लिए आप सबसे अपने हाथ जोड़ के माजरत को आए, अपने कान पकड़ते हैं। मैं 3 दिन के लिए इज्तिमा रायविंड पे गया हुआ था। ये पिछली दफा भी जब मैं लास्ट टाइम आज से तकरीबन 4 साल पहले भी ड्राइविंग 3 दिन के लिए गया था। पहले तो मैं अपने साथ लेकर गया कि मैं उधर जाके कोई वीडियो अपलोड करूंगा, बट ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। कुछ ऐसे नेटवर्क हैं जिनकी सिग्नल अच्छे आते हैं, बट मैं जोंग यूज करता हूँ। तो मेरा भाई बैड लगता है, मेरा बहुत बुरा कि मेरे जोंग के सिग्नल ना होने के बराबर। और वैसे भी यार, आप 3 दिन के लिए इज्तिमा पे गए हो तो आप अल्लाह के रास्ते में निकले हो, तो मुझे यही था कि मैं जितना हो सके इबादत करूँ। और उस बीच में मैंने आप सबके लिए कोशिश थी, मैं बताऊँ आप सबको बताऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे, इतनी दुनिया आई हुई वो क्या कहती है। सो लेके चलता हूँ आपको सीधा अपने साथ ड्राइव। रायविंड एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं अल्लाह के रास्ते में इज्तिमा। गरम है यार, पकड़ी नहीं जा रही मुझसे, पकड़िए कोरमा और हलवा। कोरमा चल ठीक है, लो भाई हमारी गरम गरम रोटियां। मेरा हाथ चल ये मैं डाल लेता मुझे नहीं पता, लेकिन कोई देख ले इधर कोई प्लेट प्लेट हो भाई। हम लोग सुबह का नाश्ता करते हैं। वाह क्या बात, मजे आ गया। ताजा ताजा चीनी ऊपर घूमनी इसकी, वो भाई उठ गए। आ जा शुक्रिया भाई। वैसे यार ऐसे बैठ के खाने में बड़ा मजा आता है, जब आप एक जगह जमीन पे बैठ के आप सब मिलकर इकट्ठे होके एक जगह पे खाना खाते हो, एक अलग सा मजा आता है, क्योंकि ये सब सुन्नती तरीका है। शर्ट ले ली और मैं तो जस्ट शर्ट ही चेंज करूँगा, कपड़े में लेकर नहीं आया। और अभी फिलहाल निकलते हैं जाके वॉशरूम में, कपड़े चेंज करते हैं, फिर इंशाल्लाह चलना पड़ता है। ये इधर छोटे छोटे नलके लगे हुए, क्योंकि अगर वो हाथों में साबुन लगा हुआ होगा, क्योंकि उधर बर्तन तो होते नहीं है, साबुन वाले हाथों पे आप पानी फेंके उसके बाद अपने हाथों को पानी में डालें, क्योंकि अगर ऐसे डालोगे तो प्रॉपर पानी सारा गंदा हो जाएगा, उसी से आप कुल्ली करते हो, वजू करते हो, सब कुछ करते हो। असल में पाँव इधर रख के ना लोग धो रहे हो पानी, इधर उधर नलके हो ना इधर लगे हुए। भाई अपना साबुन ले कर यार वजू करूँ। 8 लाख बंदा टोटल, तकरीबन टोटल नहीं ज्यादा होगा इससे, 8 लाख से ज्यादा है, इतनी दुनिया है यार माशाल्लाह से, अल्लाह के रास्ते में निकली हुई है, इबादत कर रही हो। आज हमारा लास्ट डे में एक चीज होती है, फजर की नमाज के बाद एक बयान होता है जो आपको सुनना होता है, कंटिन्यू आखिरी कुछ मिनट्स होते हैं जिसमें दुआ होती है, और वो दुआ ऐसी है कि जिसमें हर कोई शरीक होता है। अब ये अंदाजा लगाएं दुनिया के दूसरे कोने से लोग इस दुआ में शामिल होने के लिए, इतनी दूर का सफर करके दुआ में शामिल होने के लिए आते हैं। तो ये दुआ ऐसी है इसमें खास मुकर्रर टाइम होता है जो कबूलियत का टाइम होता है। शरीक लक वल खल्क ला निद लक कुल शय हालिक इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइज़्निक फद्दीन मा शराता वल अम्र मा क़ज़ैता वल खल्क खल्क वल अब्द अब्द व अंत अल्लाहु उम्मत की सलाहियतों को बर्बाद होने से बचा ले, उम्मत की सलाहियतों को दीन पर लगा ले, उम्मत की सलाहियतों को बर्बाद होने से बचा ले। जो जो जिम्मेदारियां आपने हम उम्मत पर डाली है ए अल्लाह, उन जिम्मेदारियों के पूरा करने की तौफीक अता फरमा दे, उसमें हमारी भरपूर मदद फरमा, हमारी कमी को कोताही को ए अल्लाह तो अपने करम से माफ फरमा, और जो मेहनत हो रही है दीन की और जो खिदमतें हो रही
تمام خدمتوں کو بھی قبول فرما جو دین کے لیے ہو رہی ہے ان خدمت اور محنتوں کو قبول فرما کر پورے عالم میں حق کو اور ہدایت کو عام فرما دے امت کی صلاحیتوں کو دین پر آنے کا ذریعہ فرما دے دو سال بعد دوبارہ ادھر